आज एक जनपद एक उत्पाद का जो कार्यक्रम है, जनपद में जो प्रत्येक जनपद को एक उत्पाद के लिए चयनित किया गया है, हमारा अमेठी जनपद मूज उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। उसी उपलक्ष्य में ये जागरूकता का कार्यक्रम था, लोगों को जानकारी दी जाए। माटी कला बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए हम उनको बधाई धन्यवाद देते हैं। आज इसके माध्यम से हमारे 5 कुमार भाइयों को फ्री ऑफ कास्ट चाक दिया गया है और निश्चित वो मिट्टी से जो भी सामग्री बनती है उसका उत्पाद उस पर करेंगे और उनके परिवार को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम है जिसमें एक जनपद एक उत्पाद मूज के लिए इस जनपद का चयन किया गया है, जिसमें ये मूज के जो भी ये हैं उनको ये किया गया है कि ये एक पीढ़ी से दो मतलब दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण की कला है और इस कला को बढ़ावा देने के लिए ही मूज उत्पाद को चयन किया गया है, जिससे इनके रोजगार और उनकी जीविका में सुधार है। ओडीओपी के साथ एक जनपद एक उत्पाद जिसको कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है, क्योंकि एक जनपद एक उत्पाद को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा उद्यम समागम एवं ओडीओपी दोनों को मिक्स करते हुए जो है ऐसा कार्यक्रम कराया जा रहा है कि जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और अपने उत्पादों को मार्केट में ला सकें और उसको बेच सके। इस योजना कार्यक्रम के अंतर्गत किस उत्पादक को ज्यादा वो किया गया पुलिस के लिए? क्योंकि ओडीओपी के अंतर्गत यहाँ मूज का चयन किया गया है तो मूज के उत्पाद जो होंगे उनका चयन किया गया है, तो उनको हम मार्केटिंग करना, उनको प्रमोट करना, उनको इस्टेब्लिश करना, समस्त चीजें इसमें जो है सम्मिलित करेंगे। प्रदर्शनी में जो स्टॉल लगाए गए ये स्टॉल कहाँ कहाँ से लोग इसमें आए हुए हैं? आपके ज्यादातर अमेठी जनपद के हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज के हैं और आसपास पड़ोसी जनपदों के भी हैं, जैसे प्रतापगढ़ के आंवला उत्पाद है और सब है, ये सब चीजें समस्त लोग सम्मिलित हुए हैं। ये प्रदर्शनी कब तक चलेगी? 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज इसका शुभारंभ माननीय मंत्री जी जो सुरेश पासी जी हैं उन्होंने कर दिया है और कल समापन इसका।